हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज हम आपको ट्रेनेक्सा टेबलेट के बारे में बताने जा रहे हैं। यह ट्रेनेक्सा टेबलेट क्या काम में आती है, किस कंडीशन में दी जाती है, इसके एमआरपी क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, क्या कंपोजिशन इसमें मिला हुआ है, कौन सी कंपनी का ब्रांड है, यह सब जानने के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। मैं नरेंद्र सैनी, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नमो फार्मेसी। फ्रेंड्स, आज हम आपको ट्रेनेक्सा टेबलेट के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर कंपनी की बात करें तो फ्रेंड्स, यह मैक्लोइड फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है। अगर ट्रेनेक्सा टेबलेट की एमआरपी की बात करें तो 194.66 रुपए की पर 10 टेबलेट आपको आपके नजदीकी मेडिकल स्टोर, जहां पे एलोपैथिक मेडिसिन मिलती है, वहां पे मिल जाएगी, या फिर जहां पे डॉक्टर ट्रेनेक्सा टेबलेट लिखता है उसके आसपास वाले मेडिकल स्टोर पे भी यह मिल जाएगी। अगर कंपोजिशन की बात करते हैं तो फ्रेंड्स, इसमें ट्रेनेक्समिक एसिड 500 mg पर टेबलेट में मिला हुआ है। यह ट्रेनेक्सा टेबलेट क्या काम में आती है, तो फ्रेंड्स, ट्रीट ब्लडिंग, अगर किसी के ब्लडिंग हो रही हो, खून बह रहा हो, तो उस कंडीशन में ट्रेनेक्सा टेबलेट डॉक्टर द्वारा रिकमेंडेड की जाती है या फिर डॉक्टर द्वारा लिखी जाती है। कौन कौन से कहां कहां पे ब्लडिंग होने पे लिखी जाती है, वह भी हम आपको बताते हैं। फ्रेंड्स, इट हेल्प टू प्रिवेंट और रिड्यूसिंग ब्लडिंग, यह प्रिवेंशन और रिड्यूसिंग ब्लडिंग इन कंडीशन, कौन कौन सी कंडीशन है, लाइक टूथ रिमूवल, दांत रिमूव करते हैं उस टाइम ब्लडिंग होती है, नोज ब्लडिंग होती है, हैवी पीरियड्स में ब्लडिंग होती है, अगर किसी के पीरियड्स की ब्लडिंग होती है, साथ ही एनी ओरल, किसी भी ओरल कंडीशन में ब्लडिंग होती है, प्रोस्टेट में ब्लडिंग होती है, और ब्लैडर सर्जरी, अगर किसी के ब्लैडर की सर्जरी करते हैं उस कंडीशन में भी अगर ब्लडिंग होती है तो ट्रेनेक्सा टेबलेट डॉक्टर द्वारा रिकमेंडेड की जाती है। इसी के साथ में अगर किसी के एक्सीडेंटल ब्लडिंग हो, और भी कोई कंडीशन हो, एनेस्थीसिस की ब्लडिंग हो, यानी बॉडी में किसी प्रकार की ब्लडिंग हो रही हो, तो ट्रेनेक्सा टेबलेट डॉक्टर द्वारा रिकमेंडेड की जाती है, या फिर जिन्हें भी ब्लडिंग हो वह ट्रेनेक्सा टेबलेट ले सकता है। इट इज ए एंटी फाइब्रोनोइटिक टेबलेट, यह एंटी फाइब्रोनाइलिटिक टैबलेट है, जो इट वर्क बाय प्रिवेंटिंग द ब्रेकडाउन ऑफ क्लॉट, यानी यह क्लॉट का ब्रेकडाउन करता है, विच लीड टू द स्टॉपेज ऑफ ब्लडिंग, जिसकी वजह से ब्लडिंग स्टॉपेज हो जाती है, यानी ब्लडिंग रुक जाती है। तो इस तरीके से यह ट्रेनेक्सा टैबलेट काम करती है। अब बात करें फ्रेंड डोज की, कि ट्रेनेक्सा टेबलेट की डोज क्या दी जाती है, तो फ्रेंड्स, इसकी जैसे कि हमने यहाँ पे बता रखा है कि 2 टैबलेट पर डे, यानी 2 टैबलेट पर डे दी जाती है, 1 टैबलेट सुबह और 1 टैबलेट शाम को, खाना खाने या खाने खाने से पहले या बाद में, कैसे भी दी जा सकती है, वह डॉक्टर आपको जैसे रिकमेंडेड करे उस अकॉर्डिंग आप यह ट्रेनेक्सा टेबलेट ले सकते हैं। और इस टेबलेट की डोज डॉक्टर द्वारा कम या ज्यादा भी की जाती है, वह पेशेंट की कंडीशन के आधार पर डिसाइड की जाती है, यानी डॉक्टर पेशेंट की कंडीशन देख के इस टेबलेट की डोज कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब बात करें साइड इफेक्ट की, तो फ्रेंड्स, इसके कुछ टेम्परेरी साइड इफेक्ट हैं जो कुछ पेशेंट को देखने को मिले हैं। अगर किसी को यह साइड इफेक्ट हो तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकता है, जैसे ट्राइडनेस और नेजल कंजेक्शन जैसी प्रॉब्लम कुछ पेशेंट को देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जैसे बॉडी में पेन होना या फिर हाथ पैरों में पेन होना, नाक में दर्द होना, जैसी प्रॉब्लम भी ट्रेनेक्सा टेबलेट को लेने से हो सकती है। अगर किसी को हो तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर कुछ पेशेंट को ही देखने को मिली है या ज्यादातर को नहीं होती है, किसी को हो तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर ले, अगर नहीं हो तो किसी बात की प्रॉब्लम ही नहीं है। अब बात करें फ्रेंड्स, अगर किसी के किडनी प्रॉब्लम हो, हार्ट प्रॉब्लम हो, तो वह भी अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर ले कि अगर उन्हें ट्रेनेक्सा टेबलेट लिखी जाती है। साथ ही अगर कोई महिला प्रेग्नेंट हो या फिर ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हो, तो वह भी अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकता है कि उन्हें अगर ट्रेनेक्सा टेबलेट लिखी जाती है तो कि उन्हें उसके द्वारा सही इलाज, डॉक्टर द्वारा सही इलाज, सही रिकमेंडेड किया जा सके। आशा करते हैं कि ट्रेनेक्सा टेबलेट के बारे में आपके सभी डाउट, सभी भ्रम क्लियर होंगे। किसी भी प्रकार की कोई जानकारी कोई अधूरी रह गई हो या फिर आपको सही पता नहीं चला, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। धन्यवाद फ्रेंड्स। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत।